नमस्कार, आज हम कमोडिटी पिक ऑफ डे में कॉपर का आउटलुक देखेंगे। पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि कॉपर के प्राइसेस में एक साइडवे और एक नेगेटिव प्राइस मोमेंटम आते हुए देखा, जिस दिन से यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड टेंशन बने हुए थे, हमने हमेशा देखा है प्राइसेस में थोड़ा बहुत भी उछाल आता है उसके बाद दबाव आता है। बट पिछले हफ्ते हमने देखा यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड टेंशन बना हुआ उसका फर्स्ट फेज साइन हो चुका है, जो कहीं ना कहीं हमें लगता है कॉपर के लिए और पूरे बेस मेटल पैक के लिए अच्छा रहने के लिए। तो आज के इस आउटलुक में हम कॉपर का आउटलुक देखेंगे। तो आइए आज हम देखते हैं कॉपर का आउटलुक। सबसे पहले अगर कॉपर की बात करें तो पिछले एक हफ्ते में हमने एक स्टैग्नेंसी आती हुई देखी। पिछले एक महीने से हमने देखा जब से ट्रेड वॉर का टेंशन चल रहा है, मार्केट में एक लिमिटेड अपसाइड दिखाई दे रहा था। इससे पहले हमने देखा था पिछले तीन महीने में डिमांड कंसर्न को देखते हुए कॉपर में हमने करीबन 4.5% से ज्यादा की गिरावट प्राइसेस में आती हुई दिखाई दी। ओवरऑल अभी हमको लगता है जिस दिन से यूएस और चाइना के बीच का जो एग्रीमेंट है वो फर्स्ट फेज का हो चुका है, जो कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। और पिछले एक हफ्ते में हमने देखा भी है कि 438 के नीचे प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा है और कोशिश कर रहा है 440 का लेवल तोड़ने की। साथ में हमने डॉलर में जो वीकनेस देखी है, चाहे हम यूएस चाइना के ट्रेड टेंशन को कम होते हुए देखा है या हमने ब्रिटेन में जो इलेक्शन के बाद देखा है कि पाउंड में जिस ढंग से अच्छी तेजी आई है वो कहीं ना कहीं डॉलर को दबा रहा है, वो कहीं ना कहीं बेस मेटल को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम चाइना की ग्रोथ की बात करें तो ऑलरेडी हमने नंबर्स काफी वर्स्ट आते हुए देख चुके हैं, चाहे सितंबर अक्टूबर की बात करें, बट नवंबर में हमने देखा है कि गवर्नमेंट के जो एक्सपेक्टेशन थे उसको वो मीट करते हुए दिखाई दे रहे, जो कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंट इंप्रूव करता हुआ दिखाई देगा। साथ में हमने फर्स्ट ट्रेंड में देखा है कि चाइना एग्री किया है कि यूएस से हम एग्रीकल्चर परचेजेस चालू करेंगे, जो कहीं ना कहीं एक संकेत है कि दोनों के बीच में जो ट्रेड डील है वो अब कंप्लीट हो चुकी है और प्राइसेस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। इसी बीच हमने देखा चिली से अपडेट आती हुई दिखाई दी है कोडेरको से, जहां पे उन्होंने एक्सपेक्टेड रखा है कि एवरेज प्राइस जो रहेगा वो 2.6 से 2.8 के बीच में रहेगा, जो करीबन $6,000 का एक एवरेज बन जाता है मीडियम टर्म में। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि प्राइसेस 6 के करीब ही चल रहा है, तो इन ऑल समझ में आता है कि प्राइसेस करंट लेवल को एक बेस बनाते हुए एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखा सकता है। आइए अब टेक्निकल के जरिए देखते हैं कॉपर का आउटलुक। सितंबर मंथ में हमने देखा था कॉपर ने एक स्पाइक मारा था करीबन 458 का। इससे पहले भी हमने देखा था जुलाई में भी प्राइसेस ने 458 के आसपास का स्पाइक मारा था, बट ये लेवल कभी भी सस्टेन नहीं कर पाया। वैसे ही अगर डाउनसाइड की अगर बात करें तो प्राइसेस में हमने जुलाई मंथ में देखा था करीबन 432 का लो मारने के बाद ये तेजी आई थी, फिर प्राइसेस 434 की सपोर्ट से उठा और फिर हमने करीबन 450 और ये रेंज में मार्केट मूव होता हुआ रहा। अब पिछले कुछ महीनों में अगर देखें तो ये रेंज और ज्यादा सिंक हो चुकी थी और अब जाकर हमने देखा कि प्राइसेस 200 डे मूविंग एवरेज का भी लेवल तोड़ चुका है, जो 440 के करीब था। टेक्निकली स्पीकिंग जब तक मार्केट 430 के नीचे सस्टेन नहीं करता है, मार्केट में ट्रेंड पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। और अब सब साथ में फंडामेंटल भी हमने देखा कि जिस ढंग से ट्रेड टेंशन कम हुआ है और जनरली देखा जाता है चाइनीज न्यू ईयर जनवरी में रहता है, इससे पहले इनकी ऑर्डर बुक्स में काफी स्ट्रांग बाइंग आती है, जिसके चलते हमें लगता है कि प्राइसेस इनिशियल हर्डल जो रहेगा 446 का रहेगा। हो सकता है यहाँ से प्राइसेस फिर से रिट्रेस करने की कोशिश करें। अगर 446 448 के ऊपर प्राइसेस निकल जाता है तो हमें लगता है 452 से लेके एटलीस्ट 457 458 तक का लेवल अगले कुछ दिनों हफ्तों में दिखा सकता है। बट ध्यान रखने वाली बात है दिसंबर एंड में हम ऑलरेडी खड़े हैं, जनरली देखा जाता है कि हॉलीडे मूड रहता है 15 दिसंबर के बाद, तो हो सकता है मार्केट एक लैकलस्टर मूवमेंट में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे। बट ओवरऑल जनवरी मिड तक की अगर बात करें तो हमें लगता है कॉपर में अब एक तेजी का रुख रहना चाहिए, इसलिए हमारी सलाह रहेगी 440-41 के करीब आए लेके चले। छोटा स्टॉप लॉस होगी 437 का, टारगेट हमें लगता है 446 जो पहला हर्डल है, अगर ये लेवल पार कर जाता है तो हमें लगता है 452 तक के लेवल हम कॉपर में देख पाएंगे। वहीं अगर सीजनलिटी की बात करें तो जनरली देखा जाता है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में प्राइसेस में हमेशा पिछले 10 सालों में तेजी देखी है, और जिस दिन से अभी यूएस और चाइना के ट्रेड टेंशन कंप्लीट हुए हमें लगता है ये तेजी का रुख दिसंबर मंथ में दिखा देगा और जनवरी में भी इस चीज का असर हम देख पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा ऐप केडिया एडवाइजरी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। इस ऐप में आपको लेटेस्ट कमोडिटी न्यूज, लाइव कॉल्स, रिपोर्ट्स और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।